गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक। आज हम आपको ये UKG मई मंथ का वीडियो भेज रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहले आपने स्वर और व्यंजन आप पढ़ चुके हैं। अब हम आपको दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्द पढ़ाएंगे, और यही आपको भी पढ़ना है। अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पर ये आ गया, घर घर, घर भी बना है ना, नल नल, बस बस। इसी तरह से ये सब आपको इसी तरह से पढ़ना है, कल कल, पल पल, इस तरह से मिला मिला के पढ़ेंगे। अब देखो ये वाक्य आ गए हैं, यहाँ पर क्या है वाक्य, यश चल। अब देखो, डर डर, मत मत, डर मत, इस तरह से इसको आप रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे घर में, ठीक है, मिला मिला के पढ़ना है। अब देखो ये आ गया आपका तीन अक्षर वाला, कौन सा आ गया, ये बिना मात्रा के हैं, तीन अक्षर वाले शब्द आ गए हैं। अब देखो तीन अक्षर में तीन होंगे, जो ये तीन रहते हैं ना, 1, 2 और 3, इनको बोलते हैं तीन अक्षर वाले शब्द। अब देखो, क म ल, कमल। फिर ये आ गया ब त ख, बतख। म ग र, मगर। अब इसी तरह से आप मिला मिला के ये लाइन पढ़ेंगे, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, इस तरह से ये जो लाइंस हैं इनमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये आ गया आपका पढ़ने वाला, ख ब र, खबर। पढ़ पढ़, इस तरह से इनको, और ये पूर्ण विराम होता है, जो ये डंडा बना है ना, ये यहाँ पर देखो, ये सब के बाद, देखो ये वाक्य के बाद ये आता है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप, ठीक। ये हो गया। अब ये आ गया चार अक्षर वाले शब्द, ये चार वाले आ गए, देखो ये, देखो 1, 2, 3 और 4, तो क्या लिखा है, अ द र क, अदरक। ये आ गया ब र त न, बर्तन। त र क श, तरकश, इस तरह से। इसी तरह से आप इनको भी पढ़ेंगे मिला मिला के, और ये वाले वाक्य भी, इनको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब देखो आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये लिखा है मैंने, आप लोगों को ये भी पेपर आया, अभी आपके पास पहुँचेगा ये भी। और ये देखो, इसमें जैसे यहाँ पर लिखा है, ये वर्णों से पांच शब्द लिखो। अब देखो यहाँ पर आ गया दो अक्षर, और ये क्या है तीन अक्षर, और ये क्या है चार अक्षर वाले शब्द लिखेंगे हम यहाँ पर, इस तरह से आपको दिया जाएगा, और ये आप घर में भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, ये दो वाले में 1 और 2, घर घर। फिर यहाँ नीचे लिख देंगे नल नल, फिर पर, इस तरह से लिखते जाएंगे, बुक से देख करके लिखना है। फिर ये आ गया तीन वाला, बतख बतख, है ना, फिका मल कमल, महल महल, इस तरह से लिखना है। अब देखो बेटा यहाँ पर आ गया चार वाला, नट खट नट खट, है ना, फिर पन घट पन घट, टम 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 टम, इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब ये आ गया हमारा शब्द रचना, वर्णों से शब्द बनाओ। अब देखो शब्द रचना वही है बेटा पूरा, जैसे ये देखो यश लिखा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर य बना के बीच में प्लस करेंगे और श लिख देंगे, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, और आप लोग यहाँ पर इसको पूरा लिखेंगे, बीच में से ये प्लस हटा देंगे और यश लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये है देखो, प व न, पवन। फिर आ गया स र क श, सर्कस, ठीक।
अब नेक्स्ट देखो, चित्र देखकर शब्द लिखो। अब ये चित्र है बेटा, क्या बना है यहाँ पर, नल। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो नल लिखा है ना, इस तरह से लिखना है। अब ये बत्तख है, क्या है, तो यहाँ पर ब त और ख लिखेंगे, बत्तख हो जाएगा। ये क्या है बेटा, देखो तरकश है ना, धनुष बाण चलाते हैं ना, हाँ तो वही है, धनुष धनुष होगा, ये बाण हो जाते हैं, इनको तरकश बोला जाता है। यहाँ पर हम तरकश लिखेंगे, इस तरह से आपको दिया जाएगा बना करके, तो आपको लिखना है। ये आ गया शब्दों से खाली जगह भरो। अब ये क्या आ गया, देखो यहाँ पर लिखा है उठ और ये चल चल, ये क्या लिखा है, कर कर। अब देखो बेटा ये आ गया यहाँ पर यश। अब देखो ये नंबर 1 2 3 डाले हैं ना, तो मैंने यहाँ भी डाल दिए, देखो शब्दों में, ये देखो ये नंबर 1 में हम इसको लिखेंगे, नंबर 2 में हम ये भरेंगे और नंबर 3 में हम ये भरेंगे यहाँ पर, है तो ये देखिए आ गया यश चल, ये देखो नंबर 1 वाला हमने यहाँ डाल दिया। फिर ये आ गया है नंबर 2 में, क्या आ रहा है, बचत कर, ये देखो नंबर 2 डाला है मैडम ने यहाँ पर, देखो। और फिर ये क्या आ गया दशरथ, ये नंबर 3 में उठ, यहाँ पर हम उठ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमको इसको पढ़ना है और लिखना है, घर में इसको पेज फुल कर करके, दो दो तीन तीन चार चार शब्द डेली लिखोगे तो याद हो जाएगा ये। अब देखो बेटा यहाँ पर आ गई है तुम्हारी पोयम, क्या आ रही है ये पोयम, करो व्यायाम, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। अब देख इसको बोलेंगे, हम शुरू करेंगे, बोलो। सुबह सवेरे उठकर करते जो बच्चे व्यायाम, खुशी खुशी पूरा करते हैं वे सब अपना काम, लंबी सैर सवेरे की होती है सबसे अच्छी, नंगे पांव घास पर घूमो बढ़ जाए नैनों की ज्योति। कैसी लगी पोयम, अच्छी है ना, तो इसको भी आप याद करेंगे, बुक्स को भी पढ़ेंगे, दो तीन चार अक्षर वाले शब्द, ठीक है, और लिखने की प्रैक्टिस भी करना और सुंदर सुंदर लिखना लाइन में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।